केंचुआ लंबे समय से किसान के अभिन्न मित्र हलवाहा यानी प्लगमैन के रूप में जाना जाता है। वर्मी कंपोस्टिंग कृषि को टिकाऊ आधार प्रदान करने के लिए कम खर्चीली बनाया जा सकता है। भारतीय कृषि का कायाकल्प करने के लिए यह क्रांतिकारी तकनीकी है। पुस्तक का नाम वर्मी कंपोस्टिंग मैनुअल। पुस्तक परिचय। हरित क्रांति के लिए अपनाई गई अधिकाधिक रसायनों यानी उर्वरक कीटनाशक एवं खरपतवार नाशकों एवं सिंचाई के उपयोग पर आधारित प्रौद्योगिकी से जहां खाद्यान्न उत्पादन बढ़ा है, वहीं आधुनिक भारतीय कृषि कई गंभीर समस्याओं से जूझ रही है। निरंतर अनौचित्यपूर्ण रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग से जहां भूमि में ऑर्गेनिक मैटर के लगातार घटते जा रहे स्तर से भूमि का स्वास्थ्य जर्जर होता जा रहा है, तथा इससे हरित क्रांति के मुख्य क्षेत्र रहे पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र जैसे विकसित राज्यों सहित अनेक क्षेत्रों की भूमि की उत्पादकता कम हो चुकी है, वहीं कीटनाशकों की विषाक्तता उत्पादित अन्न, सब्जी, फल एवं दुग्ध के माध्यम से मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए खतरा बन रही है। बढ़ती जनसंख्या के फलस्वरूप प्रति व्यक्ति घटती जा रही जोत एवं रसायनों के प्रयोग से खेती महंगी होती जा रही है। इसका समाधान अब प्राकृतिक संसाधनों के समुचित उपयोग एवं पोषण पर आधारित ऑर्गेनिक फार्मिंग से ही संभव होगा। इस पर कृषि वैज्ञानिक एवं नीति निर्धारक सभी सहमत व अपने अपने ढंग से प्रयत्नशील हैं, परंतु प्रमुख समस्या यह है कि इतनी अधिक मात्रा में ऑर्गेनिक मैन्योर की पूर्ति कैसे और कहां से की जाए जो उर्वरकों का पूर्णतया प्रतिस्थापन कर सके। पुस्तक के कुछ प्रश्न। वर्मी कंपोस्ट क्या है? क्या वर्मी कंपोस्ट यूरिया अथवा DAP का प्रतिस्थापक सब्स्टिट्यूट है? क्या वर्मी कंपोस्ट तकनीक ऑर्गेनिक वेस्ट को कम से कम समय में कंपोस्ट खाद में बदल सकती है? वर्मी कंपोस्ट साधारण खाद से किस प्रकार बेहतर है? इन सभी प्रश्नों का उत्तर लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत है एक लघु पुस्तक, जिसमें वर्मी कंपोस्टिंग के संदर्भ में हर एक बात पर सविस्तार चर्चा की गई है। पुस्तक के कुछ अंश। मिट्टी की निरंतर जुताई व मिक्सिंग के कारण सारंद्रता, पोरोसिटी, कास्ट के स्टेबल एग्रीगेट्स से मृदा संरचना में सुधार के फलस्वरूप वायु संचार बढ़ जाता है, जो सूक्ष्म जीवों की क्रियाशीलता, ह्यूमिफिकेशन एवं नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए आवश्यक है। मृदा संरचना में सुधार के फलस्वरूप भूमि की जल रिसाव, धारण एवं आपूर्ति क्षमता बढ़ जाती है। इससे भूमिगत जल स्तर वृद्धि तथा जल निकासी में भी मदद मिलती है। पाचित एवं विघटित ऑर्गेनिक मैटर का बहुत थोड़ा अंश यानी कि 5-10% केंचुए द्वारा अवशोषित किया जाता है, और अधिकांश भाग जो कि अपेक्षाकृत स्टेबल ह्यूमस के रूप में होता है, छोटी छोटी गोलियों अथवा दानेदार विष्ठा के रूप में बाहर निकाल दिया जाता है, जिसे प्राय वर्मी कास्टिंग के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार ऑर्गेनिक वेस्ट के केंचुए की आहार नली से गुजर जाने का परिणाम होता है। पोषक तत्वों की अधिक उपलब्धता, माइक्रोवेव्स की बड़ी संख्या और बहुत सारे बायोएक्टिव कंपाउंड्स की अधिकता। वर्मी कंपोस्टिंग के लाभों का एहसास तथा ऑर्गेनिक फार्मिंग के एवं व्यावसायिक हॉर्टिकल्चर में इसके बढ़ते हुए उपयोग को देखते हुए वर्मी कंपोस्टिंग को पूरे भारत में स्मॉल स्केल एवं कॉटेज इंडस्ट्री के रूप में विकसित करने की असीम संभावनाएं हैं। केंचुओं का प्रजनन तथा पालन यानी कि संवर्धन वर्मी कल्चर कहलाता है। केंचुओं से विसर्जित पदार्थ को वर्मी कास्ट कहते हैं। अपघटनशील व्यर्थ कार्बनिक पदार्थों जैसे पुआल, भूसा, सूखी घास, सब्जियों के छिलके
आदि को खिलाकर केंचुओं से प्राप्त विसर्जित पदार्थ को वर्मी कंपोस्ट कहते हैं तथा केंचुओं की सहायता से अपघटनशील जीवांश पदार्थ से खाद बनाना वर्मी कंपोस्टिंग कहलाता है। वर्मी कंपोस्ट में केंचुओं की कास्ट, उसके अवशेष, मल एवं उनके अंडे, कोकून, लाभकारी सूक्ष्म जीवाणु एवं सूक्ष्म पोषक तत्व और अपचित जैविक पदार्थों का मिश्रण सम्मिलित रहता है जो मृदा को लंबे समय तक उपजाऊ और उपयोगी बनाता है। पुस्तक के कुछ बिंदु। केंचुआ की महत्ता व उपयोगिता। देही रचना की सामान्य जानकारी। केंचुओं में प्रजनन है। केंचुओं का वर्गीकरण। केंचुआ खाद वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए आवश्यकताएं। वर्मी कंपोस्ट बनाने हेतु क्रमबद्ध चरण। वर्मी कंपोस्ट बनाने की विधियां। वर्मी कंपोस्ट का उपयोग।